बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अभी हम चूंकि हमने तमहीद बांध ली है और बता भी दिया है कि क्या क्या चीजें आई है MBS साहब के जरिए से, लिंक ओपन है मोमिनों के लिए है। मोमिन जुड़ के जरूर बताइए कि आप लोगों की राय MBS के बारे में, जो सऊदी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में क्या है। उससे पहले महलीत जी हमारे साथ जुड़ी है, महलीत जी से एक छोटा सा फीडबैक सऊदी के जो डायरेक्टिव्स आए हैं वो पहले ले लूं, उसके बाद फिर हम मोमिनों से बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू साहिल, क्या हाल है एडम, हाउ आर यू? एडम की तरह मुझसे भी रहा नहीं गया जब ये अपना किस्सा बता रहा था पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान में बाहर खाने को तो छोड़ो, ये लोग इतने पागल हैं कि जब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती थी यहाँ पर, जो रात का दिन होता था, और वो पाकिस्तानी जो रोजे में बैठे वो कहते हैं तू हमारे सामने यहाँ क्यों खा रही है। देख वो तो आप छोड़ो कि वहां पर आपको पकड़ के वो मारेंगे, अब हम लोग भी छुप छुप के वहां खाते थे, और अगर पकड़े जाओ तो जैसे एडम ने कहा कि आपको पिछवाड़ा लाल करेंगे वो, अदरवाइज देयर इज लाइक strict things that happen with you. मैं कह रही हूँ कि हमें ये दूसरे मुल्क में बैठ के इनकी सोच इतनी भी नहीं जाती, मुझे समझाना पड़ा था कि भाई तुम जहाँ पर हो और मैं जहाँ पर हूँ डिफरेंस है टाइम का। ये इतनी जाहिल कौम है, कहते हैं कि तुम लोग क्यों खा रहे हो बैठ के स्क्रीन पे हमारे सामने। इट्स जस्ट सो रिडिकुलस। विद MBS आई हैव सीन कि इसने बहुत सारी चेंजेस की हैं, आई पर्सनली थिंक आई डोंट थिंक ही इज अ मुस्लिम एनीमोर एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और इन लोगों में से किसी के अंदर तब्बड़ नहीं है कि उसके सामने खड़े होकर ना ये बोलेंगे। चूं चूं के मुरब्बे अपने मुल्कों में शोर मचाते हैं, दे विल नेवर स्टैंड अप टू हिम, क्योंकि दैट इज वेयर इस्लाम वाज बोर्न एंड दैट इज वेयर इस्लाम वाज बोर्न। मैली जी, सऊदी में अभी तक देखा है कि MBS के खिलाफ एक भी लोग जो है सड़कों पे उतरे? देखा आज तक? हमने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। वो उतरेंगे तो सीधा जेल में उनको बंद कराएगा, उसने इतने लोगों को उठा के, बड़े बड़े प्रिंस जो थे उनको उठा के बंद कर दिया, तो इनकी क्या औकात है। तो मैं वही कह रही हूँ जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ था ना वहीं पे उसकी मौत होगी, एंड इट इज अमेजिंग टू सी दैट, आई एम वेरी हैप्पी। तो एनीवेज मैं जाके सुन रही हूँ, मुझसे बस रहा नहीं है, मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। ओके चलो बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा नफीस भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े ही कट्टर के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।